अच्छा आज हम देख रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर लिंक क्यू, ठीक है। आप लिंक इसको कह सकते हो या लिंक क्यू भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिंक को क्यों यूज़ किया जाता है इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, लिंक क्यू स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। इसका मतलब लिंक क्यू क्या है, आपके पास एक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, ठीक है। और ये होता क्या है इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो लिंक क्यू की फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लिंक इन सी शार्प इज यूज टू वर्क विद द डेटा एक्सेस फ्रॉम डेटा सोर्सेज सच एज ऑब्जेक्ट्स, डेटा सेट्स, एसक्यूएल सर्वर, एक्सएमएल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब लिंक हम सी शार्प के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि लिंक क्यू को हम यूज कहाँ करते हैं, सी शार्प के अंदर यूज करते हैं, सी शार्प के एप्लीकेशंस के अंदर यूज करते हैं। और इसको यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा एक्सेस का, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेस, ठीक है। अब डेटा एक्सेस किसे कहते हैं, भाई देखो मेरे पास एक डेटा सोर्स है डेटाबेस, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं डेटाबेस के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे डेटा एक्सेस की जरूरत पड़ती है। डेटा एक्सेस का क्या मतलब होता है कि मुझे अपने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट भी करना होता है, रिट्रीव भी करवाना होता है, और उसके अंदर मैनिपुलेशन भी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं डेटा एक्सेस, ठीक है। तो ये जो लिंक क्यू है जो हम सी शार्प के अंदर यूज करते हैं, इसको हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम डेटा एक्सेस का काम कर सकें, ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज सच एज ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो डेटा सेट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा डेटाबेस के बने बनाए डेटा सेट्स जिसके अंदर टेबल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम काम करते हैं, ठीक है। फिर एसक्यूएल सर्वर है, उसके अंदर टेबल्स हैं, फिर एक्सएमएल की फाइल्स होती हैं, एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अंदर डेटा होता है, और भी बहुत सारी डेटा सोर्सेज होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी डेटा सोर्सेज होती हैं, उनके लिए मैं सी शार्प के अंदर यूज करता हूँ लिंक क्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। भाई देखो अगर मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमारी सी शार्प एप्लीकेशन होती है, ठीक है, सी शार्प एप्लीकेशन जिसके अंदर हम अपना सारा लॉजिक्स लगाते हैं, सारा कोड करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर हम कोई डेटा सोर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। डेटा सोर्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटाबेस की मिसाल दूं, अब वो एसक्यूएल का डेटाबेस हो गया या कोई और डेटाबेस हो गया, ठीक है, तो वो डेटाबेस क्या है, हमारे पास डेटा सोर्स है, ठीक है। अब सी शार्प एप्लीकेशन के थ्रू हमें अपने डेटा सोर्स के अंदर डेटा एक्सेस का काम करवाना पड़ता है। इसका मतलब अपने डेटा सोर्स के अंदर डेटा इंसर्ट करवाने का भी काम होता है, फिर उसके अंदर से डेटा रिट्रीव करने का भी काम होता है, ठीक है, और डेटा को फिल्टर करवा के रिट्रीव करने का काम भी होता है कि भाई आपको पता है डेटा सोर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो कभी कभार हम फिल्टर परफॉर्म करके भी डेटा रिट्रीव करते हैं अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लिंक क्यू का, ठीक है। तो ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो डेटा सोर्स जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डेटाबेस ही हो, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, वो आपके पास कलेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन मतलब आपके पास एरेज हो जाते हैं, ठीक है, और हमने बहुत सारी कलेक्शंस कवर की हैं, जेनरिक नॉन जेनरिक, ठीक है। तो डेटा सोर्स आपकी कोई कलेक्शंस भी हो सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कलेक्शंस के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है। तो अगर मुझे कलेक्शन में से जो कि मेरा एक डेटा सोर्स है अगर वहां से डेटा रिट्रीव करना है तो मैं कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ लिंक क्यू का, ठीक है। फिर सेम इसी तरह डेटा सोर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं तो वो जो जितनी भी डेटा सोर्सेज हैं वो बहुत सारी होती हैं, वो कलेक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है, वो आपके पास एसक्यूएल सर्वर के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह वो डेटा सेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप ADO.NET के अंदर डेटा सेट्स बनाते हैं अपने टेबल्स के अंदर से, ठीक है, तो वो डेटा सेट भी हो सकते हैं हमारी डेटा सोर्स में। फिर XML डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारी डेटा सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्सेज होते हैं, जिस तरह कलेक्शंस हो गए इसकी ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, SQL सर्वर के ऑब्जेक्ट्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये बिल्कुल एक अलग चीज है, डेटा सेट है ये बिल्कुल एक अलग चीज है। तो अगर मुझे इन अलग अलग डेटा सोर्सेज के साथ काम करना है तो क्या मैं अलग अलग चीजों पे एक्सपर्टीज हासिल करूंगा, इसका मतलब अगर मैं डेटा सोर्स के अंदर SQL सर्वर को यूज कर रहा हूँ तो मुझे SQL सर्वर आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं कलेक्शंस पे काम कर रहा हूँ तो
तो मुझे कलेक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर अगर मैं डेटा सेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ या XML डॉक्यूमेंट से डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ, तो मुझे उनके लिए हमारे पास जिस तरह XML के लिए XQuery का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लिंक क्यू सीख लेते हो, ठीक है, अगर आपको लिंक क्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आप ये जितनी भी डेटा सोर्सेज हैं, चाहे कलेक्शंस हो, SQL सर्वर के टेबल्स हो, डेटा सेट हो, XML डॉक्स हो, ठीक है, जितने भी डेटा सोर्सेज हो, उनको आप लिंक क्यू की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हो, उनके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब देखो, सी शार्प एप्लीकेशन है हमारी जिसके अंदर हमने अपनी डेटा सोर्स को एक्सेस करना है। अब वो डेटा सोर्स मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, कलेक्शन हो सकता है, SQL सर्वर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे उसको सी शार्प एप्लीकेशन में यूज करना है, देखो कॉन्सेप्ट समझना, मैं यहाँ पे जितना भी डेटा रिट्रीव करूंगा, सपोज करो मैं SQL सर्वर के टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ, तो मैं SQL की क्यूरीज लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं लिंक क्यू की क्यूरीज लिखने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके पास एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। और लेकिन ये क्वेरी लैंग्वेज मैं सी शार्प के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। और जब मैं इस क्वेरी को सी शार्प के अंदर लिखूंगा, तो ये क्वेरी हमें मल्टीपल डेटा सोर्सेस के साथ काम करने की एक्सपर्टीज हमें देती है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर अपनी किसी भी डेटा सोर्स के साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है, क्यूरी के थ्रू मुझे डेटा रिट्रीव करवाना है, तो मैं यूज करूंगा लिंक क्यू का कॉन्सेप्ट, लिंक, ठीक है। तो लिंक आपके पास, देखो लिंक आपके पास उसी तरह है, मतलब इसके अंदर जो आप क्वेरी लिखोगे वो सेम उसी तरह है जिस तरह आपने SQL सर्वर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। सेम उसी तरह हम लिंक क्यू में भी क्या लिखते हैं, क्वेरीज लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि लिंक क्यू में हम जो भी क्वेरी लिखेंगे वो सिर्फ SQL सर्वर डेटाबेस के साथ काम नहीं करेगी, मतलब मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ वो काम करने की सलाहियत रखती है, ठीक है, जिस तरह कलेक्शन हो गया, डेटा सेट हो गया। तो इसका मतलब लिंक क्यू की मैं जो भी क्वेरीज लिखूंगा, ठीक है, लिंक क्यू की जो भी मैं क्यूरी लिखूंगा वो मेरे किसी एक डेटा सोर्स के अंदर एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। मतलब ऐसा ही होता है ना, जिस तरह हम SQL की क्यूरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, SQL की क्यूरी हम लिखते हैं, तो वो SQL सर्वर के किसी डेटाबेस में या टेबल में जाके एग्जीक्यूट होती है। सेम उसी तरह लिंक क्यू में मैं जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा वो मेरे किसी भी डेटा सोर्स के ऊपर एग्जीक्यूट की जाएंगी, अब चाहे वो कलेक्शन हो, डेटा सेट हो, SQL सर्वर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर जब मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा लिंक क्यू के थ्रू, ठीक है, अपने डेटा सोर्स के ऊपर, तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट रिट्रीव होगा, ठीक है, कोई ना कोई डेटा हम रिट्रीव करेंगे, मतलब जो क्वेरी हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अपने डेटा सोर्स के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब लिंक क्यू के थ्रू हमें अपनी डेटा सोर्स के थ्रू वो जो फिल्टर्ड रिजल्ट हैं वो मिलेंगे, ठीक है, और वो जो रिजल्ट होंगे वो मैं अपने ऑब्जेक्ट्स की मदद से कहाँ पे गेट कर लूंगा, अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर गेट कर लूंगा। ये सबसे बड़ा फायदा है किसका, लिंक क्यू का, ठीक है। मतलब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सी शार्प एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसके अंदर मुझे मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ काम करना है, ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा लिंक क्यू का। मतलब लिंक क्यू आपके पास क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और वो क्वेरी आपके डेटा सोर्सेज से आपको डेटा गेट करके देगी, उसके रिजल्ट्स गेट करके देगी, ठीक है, और लिंक क्यू के थ्रू आप उसको ऑब्जेक्ट्स की सूरत में गेट करोगे और अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर यूज करोगे, ठीक है। अब देखो, ये जो लिंक क्यू है, ठीक है, लिंक है, इसके अंदर होता क्या है, ये बेसिकली एक क्वेरी सिंटैक्स है, ठीक है। मतलब अगर किसी ने SQL सर्वर और उसके अंदर क्वेरीज के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, तो लिंक क्यू को समझना उसके लिए बिल्कुल आसान होगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह की SQL की क्वेरी होती है, ठीक है, उसी तरह हमें लिंक क्यू एक क्वेरी सिंटैक्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जो कि हम अपने किसी भी डेटा सोर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उन क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह लिंक क्यू हमें कुछ स्टैंडर्ड क्यूरी ऑपरेटर्स भी अप्लाई करता है, वो ऑपरेटर्स हमने SQL सर्वर के अंदर यूज किए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऑपरेटर्स हैं वो, जिस तरह आपके पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है, जिस तरह आपके पास वेयर क्लॉज है, ठीक है, जिस तरह आपके पास फ्रॉम क्लॉज है, ठीक है, तो ये आपके पास ऑपरेटर्स और भी बहुत सारे हैं स्टैंडर्ड क्यूरी ऑपरेटर्स जो हमें लिंक क्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कीवर्ड्स SQL सर्वर के हैं, नहीं, ये आपके पास लिंक क्यू भी हमें प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से कोई भी डेटा सोर्स हो हम उसके ऊपर अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं और उस डेटा सोर्स से रिजल्ट्स को हासिल करते हैं और अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर
डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरह लिंक क्यू के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा एक्सप्रेशंस का, मतलब लैम्डा एक्सप्रेशंस को यूज करके भी हम अपनी डेटा सोर्स से रिजल्ट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही कह रहा था, लिंक क्यू इन सी शार्प इज यूज टू वर्क विद डेटा एक्सेस फ्रॉम डेटा सोर्सेज सच एज ऑब्जेक्ट्स, डेटा सेट्स, एसक्यूएल सर्वर एंड एक्सएमएल एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी डेटा सोर्सेज हैं जिसके साथ हम अपने डेटा एक्सेस का काम कर सकते हैं। डेटा एक्सेस मैंने बताया कि अगर मुझे अपने डेटा सोर्स के अंदर से डेटा रिट्रीव करना है, इंसर्ट करना है, फिल्टर करवा के रिजल्ट हासिल करना है, वो सारा काम डेटा एक्सेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लिंक क्यू इज अ डेटा क्वेरिंग एपीआई विद एसक्यूएल लाइक क्यूरी सिंटैक्स, मतलब आपके पास जो लिंक क्यू है वो एक समझ लो एक तरह से एक एपीआई है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, डेटा को क्वेरी करना प्रोवाइड करती है। क्वेरी मतलब आप डिफरेंट क्वेरी बनाते हो और डिफरेंट क्वेरी के थ्रू आप अपने डेटा सोर्स से रिजल्ट्स को हासिल करते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लिंक क्यू का सिंटैक्स है ये एसक्यूएल लाइक क्वेरी सिंटैक्स होता है, मतलब एसक्यूएल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। हालांकि एसक्यूएल के अंदर भी जो कीवर्ड हम यूज करते हैं, जिस तरह मैंने बताया सेलेक्ट है, फ्रॉम है, वेयर है, वो भी हम लिंक क्यू के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिकल वर्क जब हम देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर देखो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी लैंग्वेज, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो लिंक क्यू आपके पास फीचर है ये माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं, चाहे वो वेब बेस हो, चाहे आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी लैंग्वेज इज फुल्ली इंटीग्रेटेड, ठीक है, मतलब इसको इंटीग्रेट किया गया है सी शार्प के साथ, डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ, एंड ऑफर्स ईजी डेटा एक्सेस फ्रॉम इन मेमरी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कलेक्शंस हो गए, डेटाबेसेस, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स एंड मेनी मोर, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो लिंक क्यू है जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड की है, इसके थ्रू हम सारा डेटा एक्सेस का काम कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिस तरह कलेक्शंस हो गए, डेटाबेसेस हो गए, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो गए, जितने भी अलग अलग किस्म के डेटा सोर्सेज हैं उनके लिए हम लिंक क्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो लिंक क्यू का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसके लिए हमें कोई अलग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको एसक्यूएल भी नहीं आती ना तब भी आप लिंक क्यू को समझ सकते हो, मतलब ऐसा कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एसक्यूएल आनी चाहिए तभी आपको लिंक समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आपको लिंक क्यू समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लिंक क्यू लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी अलाउज राइटिंग क्वेरीज इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ क्यूरी लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल, एक्सएमएल एक्सेट्रा, ठीक है। देखो वही बात कि लिंक क्यू जो आपको क्यूरी लिखना प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब लिंक क्यू जो आपको क्यूरी लिखने का एक सिंटैक्स जो प्रोवाइड करता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको क्यूरी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिस तरह एसक्यूएल हो गया, एक्सएमएल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब लिंक क्यू एक बहुत ही ज्यादा सिंपल आपके पास एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा सोर्स के साथ काम कर सकते हो, मतलब उसके लिए आपको अलग से कोई एसक्यूएल या कोई दूसरी क्यूरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, इट इज थ्रू अ सेट ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, इसका मतलब कि ये जो हम क्वेरी अपनी एग्जीक्यूट करवाते हैं लिंक क्यू के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी सेट ऑफ एक्सटेंशन है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको यूज करके हम लिंक क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं सी शार्प के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक सी शार्प डेवलपर है, ठीक है, वो डेटाबेस डेवलपर नहीं है, वो सी शार्प डेवलपर है, तो अगर उसको डिफरेंट डेटा सोर्सेज के साथ मैनिपुलेट करना है तो क्या उसको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा या कोई दूसरी क्यूरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? नहीं, बल्कि वो जो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज पे वो काम कर रहा है सी शार्प पे, उसी को यूज करते हुए, मतलब लिंक को यूज करते हुए वो अपनी डेटा के साथ क्वेरिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इज थ्रू अ सेट ऑफ एक्सटेंशंस लिंक क्यू एबली इंटीग्रेट्स क्वेरीज इन सी शार्प एंड विजुअल बेसिक, ठीक है। इसका मतलब सी शार्प डॉट नेट पे भी इसकी सपोर्ट है और वीबी डॉट नेट, विजुअल बेसिक डॉट नेट के ऊपर भी इसकी सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। फिर देखो लिंक क्यू प्रोवाइड फंक्शंस टू क्वेरी कैश डेटा फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब आपके डेटा सोर्सेज से जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको कैश करने के लिए, उसको गेट करने के लिए लिंक क्यू बहुत सारे फंक्शंस भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और
लिंक क्यू के पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपने एसक्यूएल के अंदर भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन हम उन फंक्शंस को, लिंक क्यू के फंक्शंस को अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंदर भी कवर करेंगे, ठीक है। फिर देखो, द डेटा सोर्स कुड बी अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस और एक्सएमएल फाइल्स। इसका मतलब जो आपका डेटा सोर्स है, जहां से आप डेटा ले रहे हो, जहां पे डेटा आप स्टोर करवा रहे हो, ठीक है, वो आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई डेटाबेस भी हो सकता है, या एक्सएमएल फाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डेटाबेस के अंदर से जितना भी डेटा आता है वो मल्टीपल होता है, ठीक है, कलेक्शन की फॉर्म में होता है, तो उसके साथ भी हम लिंक क्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिंक क्यू इंट्रोड्यूस्ड इन सी शार्प वर्जन 3.0, ठीक है, मतलब लिंक क्यू इंट्रोड्यूस कब हुआ था, सी शार्प के वर्जन 3.0 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मतलब ये शुरू से आपके पास सी शार्प के अंदर नहीं था, ये कौन से वर्जन से आया था, 3.0 के वर्जन से आया था, एज अ मेजर पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क 3.5। इसका मतलब जब सी शार्प 3.0 लॉन्च हुई थी तो उसके साथ .NET फ्रेमवर्क 3.5 आया था, तो लिंक क्यू .NET फ्रेमवर्क 3.5 के अंदर एक मेजर पार्ट था। मतलब आपको पता है कि अपडेशन होती रहती है, ठीक है, तो जब .NET फ्रेमवर्क 3.5 आया था तो लिंक क्यू उसका एक मेजर पार्ट था, ठीक है, मेजर एक फीचर था, क्योंकि कौन से सन में रिलीज हुआ था, 2007 के अंदर रिलीज हुआ था, ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट है। तो आप देखो इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न 4 स्टैंडर्ड क्यूरी ऑपरेटर्स, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर ये जो मैं आपको लिंक क्यू का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके अंदर मैं 4 ऑपरेटर्स को यूज करूंगा, ठीक है, कौन कौन से होंगे वो, एक फ्रॉम होगा, ठीक है, एक सेलेक्ट होगा, ठीक है, एक वेयर होगा, और एक आपके पास ऑर्डर बाय होगा, ठीक है। और देखो इत्तफाक से ये चारों ऑपरेटर्स हमें एसक्यूएल के अंदर भी मिलते हैं, और जो काम इन ऑपरेटर्स का एसक्यूएल के अंदर था, सेम वही काम यहाँ पे भी है, ठीक है। फ्रॉम मतलब किसी डेटा सोर्स में से हमें कोई डेटा गेट करना है, सेलेक्ट मतलब डेटा रिट्रीव करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, वेयर मतलब जब वो हम कंडीशन यूज करते हैं तो वेयर यूज करते हैं, फिर अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑर्डर बाय यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये चारों ऑपरेटर जो कि एसक्यूएल में भी थे और हमें ये लिंक क्यू के अंदर भी मिलते हैं। यही वजह है कि जिसको एसक्यूएल आती है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, कि वो लिंक क्यू को बहुत आसानी से समझ सकता है, ठीक है।